हेलो गाइज, मैं हूँ हार्दिक पांचाल। और भाई अभी आप नाइट में वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना क्वालिटी के लिए। तो भाई आज हम ना रेडिगो का थोड़ा सा ओनरशिप एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे, जो कि अभी हमारे सामने खड़ी है। क्योंकि भाई ये एक एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ी है जिसमें अल्टो क्विड वगैरह आती है। तो भाई अल्टो और क्विड को छोड़ के रेडिगो लेने का प्लान कैसे बनता है एक मिडिल क्लास फैमिली मेम्बर का, तो उसके बारे में सारा एक्सपीरियंस जानेंगे। और भाई उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, इसमें थोड़े से VIP स्टिकरिंग वगैरह, दोस्त पुलिस और प्रेस वगैरह के स्टिकर लग रहे हैं, उसके बारे में भी हम भाई से बात करेंगे कि क्या चलती है या फिर ऐसी लगवा रखे हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त, 3 दिन बाद है। और आज हमारे साथ है रवि भाई। तो कैसे हो भाई? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। बढ़िया। मैं पहले आपसे ना एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो दोस्त पुलिस लगा रखा है ये किस लिए है? आपकी चलती है क्या ज़्यादा? हाँ, ये एक दोस्त पुलिस एक ऐसी एक वो है, संस्था कह लो या क्या कह लो, ओके, जो दिल्ली पुलिस के साथ एक काम करती है, एक तरह की प्रेस है जो दिल्ली पुलिस की है, जो दिल्ली पुलिस के आर्टिकल्स वगैरह छापती है, बुक्स वगैरह छापती है, दिल्ली पुलिस की अच्छी अच्छी चीजें जो उनकी एडवांटेजेस है, क्या है, क्या वो काम करती है, कैसे पब्लिक के साथ वो रहती है, उनकी उसको लेके ये काम करती है। तो मैं उसी का एक मेंबर हूँ, इसलिए मेरे को भी मिले, आई कार्ड भी मिला है दिल्ली पुलिस का, ये दोस्त पुलिस के नाम से एक स्टिकर दिया है, प्रेस का वो मिला है मेरे को आई कार्ड। ठीक है, तो भाई अब करते हैं मेन रेडिगो के बारे में बात। तो भाई आपको ड्राइविंग में कैसी लगती है रेडिगो? रेडिगो मेरे को पिछले 5 साल से चला रहा हूँ, ओकेजनली ज्यादा यूज होती है, रेगुलर तो नहीं चलाता, हर 10-15 दिन में एक बार चला तो मुझे तो ओवरऑल मिला के एकदम बढ़िया गाड़ी लगती है। कम रेंज में एवरेज भी अच्छी है, गाड़ी भी अच्छी है, लुक वाइज भी अच्छी है। भाई 5 साल में कितनी चलाई है? 5 साल में ये चली है 24,405 किलोमीटर। ये देख लो भाई, आपको थोड़ी क्लियर नहीं दिख रही, तो चलो वो छोड़ो। तो भाई माइलेज कितनी दे देती है रेडिगो? माइलेज अगर हाईवे पे चलाएं, कंटिन्यू अच्छे रोड पे चले, हाईवे वगैरह पे, तो निकाल देती है आराम से 16-17। कंपनी तो 24 की कहती है, अच्छा, बट मैंने देखा है एसी के ऊपर आराम से 16-17 दे देती है गाड़ी। ठीक है, ठीक है। बाकी अगर विदाउट एसी चलाएं तो हो सकता है कि 20 भी क्रॉस कर जाए। ओके, अभी जैसे भाई हम ट्रैफिक में चल रहे हैं ना काफी ज्यादा, तो अभी हमने देखी थी 8 KMPL की माइलेज शो कर रही थी इसके अंदर। और यार रात के टाइम पे ना भीड़ भाड़ में चल रहे हैं ना, काफी ज्यादा हो जाती है, और जाम में 20 से ऊपर स्पीड जाती नहीं और रुक रुक के चलती है, फिर बार बार एक्सीलेटर प्रेस करना पड़ता है, क्लच दबाना पड़ता है, तो उसमें माइलेज डिक्रीज होगी होगी चाहे कोई सी भी कार हो। और अभी 8 KMPL की दे दी थी, देखो 9 के आ गई। देखो भाई जैसे गाड़ी चलती है गियर शिफ्ट होते हैं। हाँ हाँ, तो देखो भाई अभी 9 की दिख रही है आपको, बढ़ गई है। अब जैसे हम एक कॉन्स्टेंट स्पीड में चलते रहेंगे ना तो उसमें अच्छी माइलेज निकाल के दे देगी, जैसे हाईवे वगैरह भी चल रहे हैं। तो भाई आपने कितने की ली थी रेडिगो? ये मैंने ली थी उस वक्त 3,70,000 के आसपास। 3,70,000 ये टॉप बेस मॉडल से बीच वाला मॉडल थी, टॉप मॉडल इससे ऊपर था ऑटोमेटिक। ओके ओके, ये बेस मॉडल से ऊपर वाला मॉडल थी, बीच का मॉडल। और भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इसमें अल्टो भी आती है इसके कंपटीशन में और क्विड भी आती है, देखी थी आपने? हाँ मैंने क्विड भी देखी थी, अल्टो भी देखी थी। फिर अल्टो मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा मारुति का वही पुराना मॉडल चल रहा था, मारुति की टेक्नोलॉजी वगैरह, लुक मैंने वो चेंज किया उन्होंने, जो बस एक मारुति का नाम चल रहा था वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। ओके, मुझे थोड़ा डिफरेंट चीज चाहिए थी, पर क्विड में मुझे थोड़ा नीचे गाड़ी लगी वो। ओके, तो मुझे इस वजह से अच्छी नहीं लगी, तो हमारे यहाँ की सड़कें थोड़ी इतनी अच्छी है नहीं इंडिया की। और भाई रेडिगो के अंदर ना उस टाइम पे न्यू लुक हुई थी, और मतलब न्यू ही लॉन्च हुई थी, अच्छी, और इसके अंदर अच्छे फीचर्स मिल रहे थे, जैसे कि ये बेस से एक और वेरिएंट था, तो इसमें आपको फ्रंट में स्पीकर भी मिल जाते थे, इस टाइप का स्टीरियो जिसमें आप ऑक्स वगैरह कनेक्ट करके इजीली चला सकते थे। तो भाई आपने इसमें ऊपर से भी मॉडिफिकेशन कराई थी? मैंने पूरी गाड़ी मॉडिफिकेशन करा रखी है, अगर आप तुम बाहर से देखोगे, पहले या वीडियो देखोगे, अगर तुमने बनाई होगी, पूरी एरो किट लगवाई हुई है, पूरी एरो किट लगी है पूरी गाड़ी में, चारों तरफ से पूरी पैक है, वो मैं आपको दिखा दिया। अंदर भी मैंने म्यूजिक सिस्टम भी लगाया हुआ है, बूफर है, बेस ट्यूब रखी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, JBL की, ऐसा साउंड देती जैसा प्रीमियम गाड़ी का साउंड होता है, अगर मैं सुनाऊं बट वो सुना नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से। हाँ बिल्कुल। तो भाई कितने का आ गया था आपको टोटल, मतलब खर्चा इसमें मॉडिफिकेशन में? मॉडिफिकेशन में जो मैंने बाहर की एरो किट वगैरह की मॉडिफिकेशन थी, वो लगभग 20-22,000 रुपए के आसपास खर्चा आया था, 20-22,000। और बाकी जो सिस्टम की करी थी बेस ट्यूब वगैरह की, उनका लगभग 30-35,000 रुपए। 30-35,000 का भाई सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर, मतलब कुल मिला 70-80,000 रुपए की मॉडिफिकेशन हो रखी है रेडिगो के अंदर। आपने फ्रंट में जैसे बाहर से मैंने आपको लुक दिखाई थी ना, तो वो देखना भाई, काफी यूनिक सी लगती है रोड पे, और थोड़ी हैवी सी फील होती है,
देखने में, तो इसको ना कोई कहेगा नहीं एंट्री लेवल सेगमेंट की कार है। और भाई जैसे कि इसके अंदर 800 सीसी का इंजन आता है, तो थोड़ा अंडर पावर नहीं लगता आपको? नहीं ठीक है, 800 सीसी के इंजन के हिसाब से गाड़ी ठीक है। Okay. आप इतनी रेंज में इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हो अगर ज्यादा मुझे बहुत हैवी पिकअप चाहिए, ये गाड़ी एकदम पिकअप पकड़े भागे बहुत जोर से, तो उस हिसाब से तो फिर तुम किसी और सेगमेंट में जाना चाहिए। अगर इस रेंज की गाड़ी में देखोगे तो इसके हिसाब से पिकअप ये बहुत बढ़िया है। बिल्कुल भाई, जैसा कि आप पैसे स्टीयरिंग, इन गाड़ियों सबसे कंफर्टेबल स्टीयरिंग है इसका। अच्छा, एक उंगली से मैं हिला दूं इसको, भाई इतना लाइट स्टीयरिंग है। आपने उस दिन वैगनआर ड्राइव करी थी तो उसको, और इसमें आप डिफरेंस बता रहे थे कि स्टीयरिंग का, तो इसमें मजा आता है उसमें आता है? ऐसे तो कहूँ स्पेस वाइज तो वैगनआर अच्छी है, बट स्टीयरिंग अगर चलाने के उससे देखूँ तो मेरे को रेडी को ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि भाई इसका ना स्टीयरिंग काफी सॉफ्ट है, लाइट है, चलने के बाद अबव 60 पे थोड़ा सा हार्ड होता है, बाकी वैसे बहुत लाइट रहता है सिटीज वगैरह में चलाने के लिए, मतलब बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, एक हाथ से ड्राइव कर लो आराम से, एक फिंगर से पकड़ के स्टीयरिंग, इतना लाइट है, मतलब कंफर्टेबल राइड मिल जाती है, कंफर्टेबल है। और भाई टॉप स्पीड निकालने की कोशिश करिए आप? टॉप स्पीड मैंने एक बार निकाली, एक दो बार गया हूँ लंबे रूट पे, तो वहाँ पे इजिली ये फुल्ली लोडेड थी गाड़ी, 5-6 लोग थे इवन, मतलब पीछे 4 आगे 2, ओके ओके, और ऊपर एक टॉय था बच्चे का काफी बड़ा पैक किया हुआ था, तो भी मैंने टॉप स्पीड निकाली थी एसी के ऊपर, तो भी आराम से 100 तो टच कर गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, और बाकी अगर वैसे चलाऊंगा तो 100 से ऊपर चली जाती है, 100 मतलब 120-130 तक आराम से चली जाती है, बट लेकिन चलानी नहीं चाहिए, चलानी नहीं चाहिए, इतने रोड है नहीं सिटीज वगैरह में, चलाओ जगह जगह कैमरे लगे हैं, चलान है सारी चीजें, अपना उतना चलाओ जब जरूरत हो तब चलाओ, नहीं तो अपना नॉर्मल स्पीड पे अपना चलाते रहो। और भाई जैसे अभी ना हम काफी ज्यादा ट्रैफिक में चल रहे हैं, तो आपने ऑटोमेटिक के बारे में कुछ सोचा है? ऑटोमेटिक थोड़ा सा बेटर रहती है, ये बार बार क्लच नहीं दबाना, ब्रेक नहीं लगाना, ब्रेक लगा सॉरी क्लच और एक्सीलेटर को नहीं करना ऑटोमेटिक, बट मैनुअल में क्या होगा, ऑटोमेटिक में आपको एवरेज नहीं मिलेगी, उस जो ऑटोमेटिक गाड़ी होगी उनकी एवरेज बहुत ही कम होगी मैनुअल के मुकाबले। ओके ओके, ऑटोमेटिक में थोड़ा सा बस सुकून ही रहता है कि जाम वगैरह में आप चला रहे हो, बार बार क्लच नहीं दबाना, गियर शिफ्ट नहीं करना, बट लेकिन यार मजा ना मैनुअल में आता है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो गियर वगैरह, जैसे खींच के गियर डालना थोड़े आरपीएम हाई करके, तो वो भी आप अपने हाथ में रहता है, और ऑटोमेटिक में क्या वो अपने आप गियर चेंज करेगी ना, उसमें कोई हमारा कंट्रोल है ना कुछ है, तो भाई उसके बाद ना जो मेन ड्राइवर जो होता है ना वो मैनुअल के ऊपर ही बनता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैनुअल में आपको ऑटोमेटिक वाले तो बच्चा सीखते हैं चलाने वो तो ये कह लो भाई, जैसे साइकिल चला रहे हैं स्कूटी चला रहे हैं एक्सीलेटर देना ब्रेक मारनी, बस ये दो चीज होती है, बैलेंस करना सीखोगे वो मैनुअल गाड़ी में ही सीख पाओगे, आप कैसे बैलेंस करना है, ढलान पे कैसे उतारना है, चढ़ाई पे चढ़ रहे हो तो कैसे करना है, स्लोप पे कैसे करना है, हर चीज उसमें आप सीख पाओगे, वो एक्सपीरियंस अलग होता है। और भाई अपग्रेड करने की सोची है डिगो से? अभी तो फिलहाल मेरा कोई मूड नहीं है अपग्रेड करने का, पैसे वेस्ट लगते हैं, पैसे वेस्ट लगते हैं नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा यूज है नहीं, हाँ 10-15 दिन में एक दो बार चलती है गाड़ी, और भाई अपना इसमें चल जाता है। आजकल ना गाड़ियाँ काफी ज्यादा कॉस्टली आ रही है, जैसे कि जो गाड़ी पहले 4 लाख की थी वो 7 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, जैसे कि भाई चाहता है ब्रेजर लेना, तो भाई पहले वो 6-6.5 से बेस मॉडल आ जाता था, पर अब 7.5-8 के आसपास आ रहा है उसका जो LXi वेरिएंट है, तो भाई काफी ज्यादा वर्थ इट है नहीं इतना पैसे लगाना, और वो भी अगर आप जैसे वैगनआर वगैरह भी देखते तो वो भी 6-6.5 तक पहुंच जाती है बेस मॉडल, तो भाई काफी ज्यादा कॉस्ट बढ़ चुकी है इस टाइम पे। तुम जैसे गाड़ी लोगे पता लगेगा, आज का कंपटीशन इतना हो गया, तुमने अभी सोचो नया मॉडल आया मैं गाड़ी ले लूं, उसके 6 महीने बाद ही पता लगे कंपनी उससे दूसरा मॉडल लॉन्च कर देती है, फिर आपके मन में आएगा कि यार मेरा मॉडल पुराना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी जल्दबाजी करने भी नहीं चाहिए फेसलिफ्ट करने में, अपना एक चीज के ऊपर बने रहो, उसकी परफॉर्मेंस देखो, उसकी एक्सपीरियंस देखो, उस गाड़ी के साथ तुम्हारा कैसा रहा है। और भाई जो रेडिगो है ना कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है, ये भी काफी अच्छी राइड देती है आपको, और चलने में और दिखने में भी काफी ज्यादा बढ़िया लुकिंग है इसकी भी, है ना भाई, गाड़ी है कहीं से कहीं भी निकल जाती है आराम से, ये देखो भाई छोटी सी लगती है, निकलने को भी कोई दिक्कत कहीं नहीं, से भी कट करो कहीं से भी, और जब मन देखो भी भाई कटिंग मारा इतनी सी जगह थी ऑटो के साइड में आराम से निकल के आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कोई टेंशन बड़ी गाड़ी कार पार्क करो, छोटी सी जगह चाहिए वहीं पे खड़ी खड़ी हो जाएगी आराम से, 5 लोगों के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलो भाई, भाई के साथ हमारा यही एक्सपीरियंस था, वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।